रहीम अस्सलाम वालेकुम वन क्लास स्टूडेंट्स एंड एम सी आर फॉर योर मैथ्स लेक्चर स्टूडेंट्स आवर सेकंड लेक्चर इज अबाउट डू यू रिमेंबर बिग एंड स्मॉलर। आप लोग पेज नंबर ओपन करेंगे पेज नंबर 11 और यहां पर आप लोगों के पास उसने सम शेप्स दी हुई हैं। उन शेप्स में से आप लोग देखना है कि जो बड़ी शेप होगी उसे आप लोग उसमें आप लोगों ने रेड कलर करना है और जो छोटी शेप है उसके अंदर आप लोगों ने ब्लू कलर करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास बकेट है, एक लार्जर है और एक हमारे पास स्मॉलर है। जो लार्जर है उसके अंदर मैं रेड को रेड कलर कर देना है, आपने इसमें फिल करना है रेड कलर। ठीक है, और जो स्मॉलर होगी उसके अंदर आप लोगों ने ब्लू कलर कर देना है। इस तरह आप बड़ी जो टेबल होगी उसके अंदर रेड करेंगे और जो स्मॉल टेबल है उसके अंदर हम लोग ब्लू कलर कर देंगे। इसी तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। पेज नंबर 12, राइट बिगर एंड स्मॉलर। आपने बिगर के नीचे बिगर लिख देना है, स्मॉलर के नीचे आप लोगों ने स्मॉलर लिख देना है। आप लोगों को देखिएगा यहाँ पर एक एरोप्लेन है, वो बिगर है देन एन हेलीकॉप्टर। और हेलीकॉप्टर जो हमारे पास है, हेलीकॉप्टर के अंदर हमारे पास उसमें लिखेंगे हम लोग स्मॉलर, क्योंकि उसकी शेप हमारे पास छोटी थी। इसी तरह से हमारे पास एक बैलून है, बैलून जो बिगर होगा उसके नीचे बिगर लिख देंगे और जो स्मॉलर है उसके अंदर हम लोग स्मॉलर लिख देंगे। नाउ कॉमन क्वेश्चन पेज नंबर 13, डू यू रिमेंबर लॉन्गर एंड शॉर्टर। जो चीज़ लार्जर है उसे हम लोग लॉन्गर लिखेंगे और जो छोटी होगी उसे हम लोग लिखेंगे शॉर्टर। इसी तरह से एक जो बड़ा पार्ट है उसे मैंने लॉन्गर लिख दिया, जो छोटा है उसके नीचे मैंने शॉर्टर लिख दिया। इसी तरह से हमारे पास सी और डी पार्ट होंगे। पेज नंबर 14, इन ईच बॉक्स ड्रा शॉर्टर एंड लॉन्गर ऑब्जेक्ट देन राइट द करेक्ट वर्ड बिलो इट। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। उसने आप लोगों से कहा है कि आप लोगों ने यहाँ पे बेटा उसने देखिए आप लोगों से कहा हुआ है कि शॉर्टर अगर आप लोगों के पास शेप दी हुई है तो उसमें लार्जर जो है वो आपने ड्रा करनी है। ड्रा करने के बाद उसके नीचे आप लोगों लिख देना है लार्जर लॉन्गर। इसी तरह से सी पार्ट है, सी में उसने देखिए लॉन्गर उसने आप लोगों को शेप दे दी हुई है और जो शॉर्टर है उसके नीचे आप लोग शॉर्टर शेप बनाएंगे। शॉर्टर शेप बनाने के नीचे आप लोग उसके लिख देंगे शॉर्टर। इसी तरह से डी ई और एफ पार्ट भी आप लोगों ने इसी तरह से सॉल्व करना है। पेज नंबर 15, डू यू रिमेंबर टॉल एंड शॉर्ट। इसी तरह से आप लोगों ने यहाँ पर शेप्स इस पेज पर भी दी हुई हैं, उसमें आप लोगों ने कलर्स करने हैं। शॉर्टर के अंदर ब्लू करना है और टॉलर के अंदर आप लोगों ने रेड करना है। उसके बाद जो टॉलर है इसके नीचे टॉलर, जो शॉर्टर है इसके नीचे आप लोगों ने शॉर्टर भी लिखना है। बेटा इसमें आप लोगों ने कलर्स भी करने हैं, लॉन्गर के अंदर आप लोगों ने रेड करना है और जो शॉर्टर है इसके अंदर आप लोगों ने ब्लू कलर करना है। इसी तरह से उनके नीचे आप लोगों ने नेम भी राइट कर देने हैं। स्टूडेंट्स डू प्रैक्टिस एट होम। गॉड ब्लेस यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।